तो हे गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। उम्मीद है कि मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा, क्योंकि आज हम कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं और आज हम कहीं जाने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि गाइस मैं निकल चुकी हूँ रेडी होके। मैं घर पे वीडियो बनाना भूल गई, तो मैं अभी बना रही हूँ और मैं निकल चुकी हूँ फिलहाल। और अभी 3 बजने वाले। तो अभी मैं जा रही हूँ मेट्रो स्टेशन का रास्ता ये है। और अभी मेरा जो सफर है तो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा पोपट हो गया है और हम लोग थोड़ा घूम के जा रहे हैं। अभी आप लोगों के सामने संथाली टोपी फेरने के प्रोग्राम में फेस्टिवल त्योहार में मनाया जाता, तो मैं पहली बार आप लोगों के सामने ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि वेलकम कैसे किया जाता है। कुछ भी बोलो, हर जगह पे मुंडी ही मुंडी दिख रहा है, पर इतनी खतरनाक भीड़ मैंने आज तक नहीं देखा था भाई साहब। हमारे 28 में विश्व आदिवासी दिवस की मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के आ चुके हैं हमारे समारोह में। पेरिस की आंटी और दीदी सब जो कोई गेस्ट आ रहा है उनको वेलकम करते हुए लेके आ रहे हैं। मतलब देख रहे हो भीड़ भाई साहब, इतनी खतरनाक वाली है ना, जो कि तुम सोच नहीं सकते हो। और देखने से ही पता कर सकते हो कितनी भीड़ है। और ये जो हाललाल नेहरू स्टेडियम में है दिल्ली के, सोचो कितनी भीड़ है। भारत के आजादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में आदिवासी जागो जागो जागो, जय जय आदिवासी जागो जागो, जय जय आदिवासी जागो जागो, जागो।
जय आदिवासी जागो जागो, जय जय आदिवासी जागो जागो। प्रिय भाइयों बहनों, परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है, भेदभाव से पीड़ित होती रही है। आज का यह नुक्कड़ नाटक इन्हीं सभी वास्तविकताओं पर आधारित है। भैया भैया, मुझे स्पोर्ट्स शूज चाहिए, मुझे स्पोर्ट्स शूज चाहिए। तुम्हें क्यों चाहिए, तुम्हें क्यों चाहिए? भैया भैया, मुझे फुटबॉल खेलने जाना है, मुझे फुटबॉल खेलने जाना है। तुम्हें क्यों खेलना है, क्यों खेलना है? तुम खेले जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? खेल में हाथ पैर टूट जाएगा तो तुमसे शादी कौन करेगा? आज भी हमारी आदिवासी लड़कियों को खेल कूद के क्षेत्र में प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, उन्हें इनसे दूर रखने का प्रयास किया जाता है। उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम आदिवासी देश के कोने कोने, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम आदिवासी देश के कोने कोने, जागो आदिवासी जागो जागो, जय जय आदिवासी जागो जागो, जय जय आदिवासी जागो जागो। सबों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। मुंडा समाज के बारे में बताना चाहेंगे कि मुंडा समाज झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ऑर्गेनाइजर्स को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि खड़िया समुदाय, खड़िया ट्राइब, खड़िया आदिवासी के बारे में और उनके विशेषता के बारे में बताने के लिए मुझे यह मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। खड़िया भी कहा जाता है, खेड़िया भी कहा जाता है। खड़िया एक, अगर हम एंथ्रोपोलॉजी और या तो एथनिक ग्रुप के हिसाब से देखें तो तीन प्रकार का हमारा ग्रुप है, द्रविड़ियन, इंडो। रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो वो एक ड्यूटी भी होती है और उसकी बोझ भारी भी होती है। तो मुझे आज, मैं बोलना चाहूंगी कि आज बहुत सारे यूथ्स को मैं देख रही हूँ यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ लोग पीछे थे, कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं अपने कार्यक्रम दिखाने को। मैं बोलूंगी ऐसा मौका, ऐसा अवसर बहुत ही कम मिलता है हमें, और जब ये अवसर और ये प्लेटफॉर्म हमें मिलती है तो इस प्लेटफॉर्म को हमें रिस्पेक्ट करना है, हमें इज्जत नवाजना है और इसी डायरेक्शंस में आगे बढ़ते जाना है। आज यहाँ पे बीइंग अ गर्ल, मैं ये बोलना चाहूंगी कि जितने भी वुमेन्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, बेसिकली मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करती हूँ, साथ ही साथ ऑटिज्म स्टूडेंट्स के लिए भी काम करती हूँ एंड चाइल्ड एम्पावरिंग के लिए भी काम करती हूँ। बिकॉज ये जो टैग है और ये जो क्राउन है,
ये ब्यूटी विद ब्रेन भी होना चाहिए। तो मैं सभी महिलाओं को ये बोलना चाहूंगी कि वी हैव टू बी इन अ लीडरशिप क्वालिटी ऑलवेज। आप अपने अंदर की एक जो लीडरशिप क्वालिटी है उसे बनाए रखिए। कभी कभार क्या होता है कि समाज में बहुत सारे चीजों को लेकर नेगेटिविटी फैलती है जिसके वजह से हम बहुत सारे केसेस को देख सकते हैं। तो वो सारे केसेस आपके ऊपर ना हो और आप दूसरों को इंस्पायर करें, इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि आपके अंदर की एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। मैं बहुत ज्यादा समय तो नहीं ले रही हूं। एट द लास्ट मैं ये बोलूंगी, बहुत ही खुशी लग रहा है मुझे, आप सभी मिलकर बोले एक बार जोहार। धन्यवाद। लची किला पतली कमरिया गजरा खोपा भिंडी गेला।
कुछ स्टॉल लगे थे जो कि मैं दिखाने के लिए काफ़ी लेट हो चुकी हूँ और सब कुछ बंद होने को है और कुछ कुछ बंद भी हो चुका है। बाहर भी थे कुछ कुछ खाने को और भी कुछ कुछ था जो कि मैं दिखा नहीं पाई, तो उसके लिए सॉरी। तो नेक्स्ट टाइम उम्मीद है कि मैं और अच्छे से दिखा पाऊँगी।